वेल, डेनियल ब्राय तो रोमन को हराने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वेल तो ही गाइस, वेलकम टू दी माई चैनल, माय नेम इज पंकज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के स्मैकडाउन के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो हमें स्मैकडाउन की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है, जो कि साशा बैंक्स वर्सेस नाया जैक्स के मैच से देखने को मिलती है, जो कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच था। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमें मैच देखने को मिला। वेल साशा बैंक्स यहाँ पे जीत गई इस मैच को, एंड नाया जैक्स को उन्होंने हरा दिया। एंड यहाँ पे हमें बियंका ब्लेयर का एंड साइना बेजलर का भी इंटरफेरेंस देखने को मिला, जहाँ पे नाया जैक्स के ऊपर साइना बेजलर ने अपने नी से अटैक कर दिया, जो कि मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नाया जैक्सन शाइना बेजलर में कुछ खटपट हो चुकी है। वेल इसके बाद तो हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस का एक सेगमेंट, जो कि सेथ रॉलिंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फन बनाते हैं सिजारो के ऊपर, एंड उनका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा देते हैं सिजारो का। वेल इसके बाद तो हमें यहाँ पे सिजारो तो देखने को नहीं मिलते, एंड शिंसुके नाकामुरा हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वेल यहाँ पे शिंसुके नाकामुरा आके सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं, किंग साशा उन्हें मार देते हैं, जो कि अब हमें मैच भी देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा फास्ट लेन के अंदर, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वेल इसके बाद तो हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि होता है द स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो के बीच में। एंड यहाँ पे द स्ट्रीट प्रॉफिट्स को डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो हरा देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। वेल इंटरेस्टिंग था। वेल इसके बाद तो हमें चैड गेबल एंड ओटिस की तरफ से अटैक भी देखने को मिलता है, एंड अटैक के बाद तो हमें एक और टैग मैच देखने को मिलता है, जो कि होता है डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस चैड गेबल एंड ओटिस के बीच में। वेल यहाँ पे तो दो मैच करा दिया इनका। वेल यहाँ पे चैड गेबल एंड ओटिस यहाँ पे जीत जाते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो को हरा देते हैं, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हराएंगे ही क्योंकि दूसरा मैच लगा खेलेंगे तो हारेंगे ही। तो यहाँ पे चैड गेबल एंड ओटिस यहाँ पे ये मैच जीत जाते हैं, एंड मे बी हो सकता है हमें इनके बीच में हमें टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिल जाए, जो कि डॉल्फ जिगलर एंड ओटिस एंड चैड गेबल के बीच में, जो कि इंटरेस्टिंग हो सकता है। वेल इसके बाद तो हमें केविन ओवेंस एंड सैमी जेन का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, एंड इस सेगमेंट से ऐसा लगता है कहीं ये लोग दोस्त ना बन जाए। वेल इसके बाद तो हमें डैनियल ब्रायन का भी सेगमेंट देखने को मिलता है, एंड डैनियल ब्रायन यहाँ पे आते हैं। वेल तो यहाँ पे डैनियल ब्रायन सबको बिलीव कराते हैं कि वो रोमन रेंस को टैप आउट करा देंगे एट फास्ट लेन, एंड वेल इसके बाद तो हमें रोमन रेंस भी देखने को मिलते हैं, एंड रोमन रेंस की तरफ से हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स देखने को मिलते हैं, एंड रोमन रेंस कहते हैं कि तुम कितना भी कोशिश कर लो मुझे टैप आउट नहीं करा पाओगे। वेल तो मैंने अपने यहाँ पे पूरे एंटायर करियर में टैप आउट नहीं किया, तो मैं तुमसे भी टैप आउट नहीं करने वाला। वेल इस बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिलता है रोमन रेंस एंड फिन डैनियल ब्रायन के बीच में, जो कि बहुत ही अच्छा था। वेल इसके बाद तो हमें सैमी जेन वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच में मैच भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें रिंग साइड पे केविन ओवेंस भी देखने को मिलते हैं, एंड वो मतलब अनाउंसर के साथ बैठे रहते हैं। वेल यहाँ पे सैमी जेन एंड किंग कॉर्बिन का मैच होता है, यहाँ पे किंग कॉर्बिन बहुत ही अच्छे तरीके से सैमी जेन को हरा देते हैं। वेल हराने के बाद तो यहाँ पे सैमी जेन बोलते हैं कि भाई केविन ओवेंस तुमने देखा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वेल यहाँ पे केविन ओवेंस कहते हैं कि ये तुम्हारा ही फॉल्ट था। वेल इसके बाद सैमी जेन बुरा मान जाते हैं, एंड जैसे केविन ओवेंस यहाँ पे माइकल कोल से बात कर रहे होते हैं, और वहीं पे फिर सैमी जेन पीछे से हलोला किक बजा देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर। एंड यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग हमें देखने को मिल गया कि सैमी जेन केविन ओवेंस के बीच में हमें बहुत ही अच्छी राइवलरी देखने को मिल सकती है, जो कि रेसलमेनिया में हमें हो सकती है, जो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वेल इसके बाद तो हमें अपोलो क्रूज एंड बिग ई के बीच में हमें कुछ देखने को मिलता है, जो कि इंटरव्यू टाइप होता है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, एंड अपोलो क्रूज एंड बिग ई आमने सामने आने की कोशिश करते हैं, एंड एक दूसरे को ढूंढते हैं, एंड ढूंढते दोनों मिल भी जाते हैं, एंड अपोलो क्रूज एंड बिग ई दोनों में ब्रॉल हो जाता है, एंड यहाँ पे बिग ई बहुत ही अच्छी खासी तरीके से अपोलो क्रूज को पीट देते हैं। वेल इसके बाद तो अपोलो क्रूज गाड़ी लेके भाग जाते हैं। वेल इसके बाद तो हमें साइना बेजलर वर्सेस बियंका ब्लेयर के बीच में मैच देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा मैच नहीं कर सकूंगा क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिल गई, एंड इंटरफेरेंस हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी तरीके से देखने को मिले, जो कि नटालिया एंड टमीना की तरफ से। यहाँ नटालिया एंड टमीना ने दोनों को बजा दिया, और यहाँ पे नाया जैक्स तो पहले ही चल चुकी थी। वेल इसके बाद तो हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो कि स्मैकडाउन का मेन इवेंट होता है, एज वर्सेस जे उसो का, एंड बहुत ही अच्छा खासा मेन इवेंट था, एंड यहाँ पे एज इतने सालों के बाद रेसल करने वाले थे। वेल यहाँ पे एज वर्सेस जे उसो का मैच होता है, एंड यहाँ पे एज जे उसो को हरा देते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट था एज के लिए, बट यहाँ पे एज ने हरा दिया इस मैच में जे उसो को, और स्पेशल इन्फोर्सर वो बन चुके हैं अब रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन के मैच में। वेल इसके बाद तो हमें इंटरेस्टिंग थिंग ये भी देखने को मिलता है कि जीतने के बाद तो रोमन रेंस आके स्पीयर मार देते हैं एज को, एंड एज को स्पीयर मारने के बाद तो यहाँ पे डैनियल ब्रायन भी आने की कोशिश करते हैं, एंड डैनियल ब्रायन को जे उसो बजा देते हैं, एंड उसके बाद तो फिर रोमन रेंस भी एक स्पीयर मार देते हैं, एंड बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट देके यहाँ पे रोमन रेंस जाते हैं, एंड दोनों बंदों को स्पीयर बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मार देते हैं। तो अब फास्ट लेन के लिए देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड बहुत ही अच्छी खासी हाइप यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन के मैच से। सो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो आपके हिसाब से स्मैकडाउन कैसी थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक से सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो, एंड सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।